सो व्हाट्सअप एवरीवन, आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ्रेडरिक नीचे की किताब जीनोलॉजी ऑफ मोरल्स के बारे में। सो ये है लेक्चर नंबर 2। अभी तक तुमने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है कहाँ पे? मेरे चैनल पे, उसे जाकर एक बार चेक कर लेना। सो अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, काफ़ी मोटिवेटिंग होगा मेरे लिए। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि हम टॉपिक कौन कौन से कवर अप करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। पहला जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो है तुम्हारा ओरिजिन और पर्पस का डिफरेंस। उसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन एंड पर्पस ऑफ पनिशमेंट। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉमिस। उसके बाद हम देखेंगे बैड कॉन्शियंस। और उसके बाद तुम्हारा एंसेस्टर्स के बारे में, यानी गिल्ट का टॉपिक। सो ये जो ऐसे है, इसका एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन वो क्या कवर करता है तुम्हारा? पनिशमेंट के बारे में। ओरिजिन एंड पर्पस ऑफ पनिशमेंट एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो है ये कवर अप करता है ऐसे नंबर 2। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई ओरिजिन और पर्पस का डिफरेंस क्या होता है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है भाई? कि उस चीज की शुरुआत कैसे हुई, वो बना कैसे, वो निकल के कहां से आया, दैट इज द ओरिजिन। और पर्पस क्या होता है कि हम उसे यूटिलाइज किस किस जगह पे कर रहे हैं, यानी उसके यूसेस क्या क्या हैं, ठीक है? सो समझ लो, पता है मेडिकल फील्ड में एक लाइन कही जाती है, डोंट ट्रीट द सिम्टम्स, ट्रीट द कॉज। तो समझ लो तुम्हारे शरीर को ओवर हो रखे हैं रैशेस, तुम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने तुम्हें मलहम दे दिया, तुमने उसे लगाया अपनी स्किन के ऊपर और कुछ समय के लिए रैशेस गायब हो गए। पर एक दो दिन के बाद दोबारा वापस आ गए, फिर तुम दोबारा गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ये तो वापस आ गए, तो डॉक्टर ने क्या कहा, बेटा अपनी डाइट बदल के देखो। पर जब तुमने डाइट बदली तो तुमने देखा कि अरे अब तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं, 2-3 दिन के बाद गायब रैशेज गायब हो गए, अब वापस भी नहीं आ रहे। तो हकीकत में जो तुम रैशेज देख रहे थे वो क्या थे? तुम्हारे सिम्टम्स। कॉज क्या था? तुम्हारी डाइट। तो डॉक्टर ने जैसे कॉज को ट्रीट किया, सिम्टम्स गायब हो गए। सो उसी तरीके से पता क्या हुआ था, जो हमारे जो पहले के जो साइकोलॉजिस्ट थे बेसिकली, जिन लोगों ने फ्रेडरिक नीचे से पहले ओरिजिन पनिशमेंट का जो ओरिजिन है उसे ढूंढने की कोशिश करी थी, उन्होंने क्या करा था, पनिशमेंट के पर्पस को उठा के ओरिजिन की तरफ पुट कर दिया था और उसे ही ओरिजिन बना दिया था। जब हम आगे देखेंगे तो इस लाइन का मतलब ऑल क्लियर होगा, ठीक है? सो समझ लो एक चेयर है, एक चेयर का ओरिजिन क्या हो सकता है? कई सारे लोग कहेंगे तुम में से, चेयर का ओरिजिन किसी को बैठना होगा उसने बना दिया होगा। बट बैठना तो एक पर्पस हो गया ना, ओरिजिन क्या? जब तुम इसकी एकदम एंड में जाते हो ना, जब तुम ढूंढने की कोशिश करते हो एक सच्चाई कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, जैसे कई सारे जो साइंटिफिक जो डिस्कवरीज थी वो कैसे हुई थी, ढूंढने कुछ और गए थे, मिल कुछ और गया गलती से। मतलब समझ आ रहा है कि कई सारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे भाई, मतलब किसी और रिजल्ट की वो काम ना कर रहे थे, बट सडनली कुछ गलती हो गई और अचानक से ही एक नई डिस्कवरी हो गई। तो उस डिस्कवरी जो नई हुई उसका ओरिजिन क्या है? गलती। अभी तक उसका पर्पस तक डिटरमाइंड नहीं है, पर्पस क्या होगा, ओरिजिन पर उसका क्या हुआ, गलती। तो आई होप ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया होगा ओरिजिन और पर्पस का। इसके बाद हम मूव करते हैं तुम्हारा पनिशमेंट, ओरिजिन ऑफ पनिशमेंट। सो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जो फ्रेडरिक नीचे से पहले लोग आए थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने उठाया भाई पर्पस को और उसे ओरिजिन की जगह रख दिया। उन्होंने क्या बोला कि जो हम पनिशमेंट देते हैं वो इसलिए देते हैं कि भाई जो मर्डरर मर्डर कर रहा था ना उस टाइम पे, वो मर्डर ना भी कर सकता था, उसके पास चॉइस थी, इसलिए हम उसे पनिश कर रहे हैं, ठीक है? और जो दूसरा रीजन निकल गया वो आया कि भाई जस्टिस देने के लिए जिनके साथ बुरा हुआ है। बट फ्रेडरिक नीचे वॉज लाइक, रुको रुको रुको, पहली चीज जो तुम ये बता रहे हो ना, ये हकीकत में पर्पस है, ये ओरिजिन तो है भी नहीं। और ये जो पर्पस भी है ना, ये उस टाइम पे नहीं आया जब हमने पनिशमेंट की शुरुआत करी थी। पनिशमेंट की शुरुआत ना ही इस रीजन की वजह से हुई थी और ना ही ये इसका ओरिजिन है। रीजन भी अलग है, पर्पस भी अलग है,
और ओरिजिन भी अलग है, तुम सब हो गधे पागल। सो फ्रेडरिक नीचे के अनुसार जो पहला जो रिलेशनशिप था जो ह्यूमंस के बीच में बना वो किसका बना, तुम्हारा डेटर्स और क्रेडिटर्स का। डेटर्स कौन, जिनसे पैसे लेने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं डेटर, और जिन्हें पैसे देने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं क्रेडिटर। सो ये जो क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप था ये पहला रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। वैसे तुम बोल सकते हो भाई कई सारे रिलेशनशिप थे जैसे फ्रेंडशिप के और भी बहुत सारे रिलेशनशिप थे, बट एक जो फॉर्मल है ना जो इंस्टेंटली तुम बना सकते हो वो किसका बनता है, तुम्हारा। फ्रेंडशिप का भी नहीं बनता ब्रो, फ्रेंडशिप में भी इक्का दुक्का चीज़ें होती हैं ट्रस्ट की और ये और वो 50 तरह की चीज़ें, बट इसके अंदर क्या होता है डेटर और क्रेडिटर के अंदर, इसके अंदर डेफिनेटली एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। बट तुमने समझ लो तुमने किसी से उधार लिया, ठीक है, तो तुम उस इंसान के लिए क्या बन गए डेटर, और वो इंसान तुम्हारे लिए क्या बन गया क्रेडिटर, ठीक है। सो जब डेटर क्रेडिटर को पे नहीं कर पाया तो आज की तरह नहीं कि भाई हमने क्या करा कि भाई जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब तो भाई रहने दो, अब इसके पास पैसा नहीं बचा, अब छोड़ो इसे, मतलब समझ आया 2-3 साल जेल में गुजारे और बाहर आ गया। आज के टाइम में कुछ ऐसा होता है कि इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं, 2-3 साल जेल में गुजारो और बाहर आ जाओ, उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती। पर पहले ऐसा नहीं था भाई, पहले क्या होता था जो इंसान पे नहीं कर पाता था उसे तो सज़ा मिलती थी और साथ में उसके परिवार वालों को घर वालों को सज़ा मिलती रहती थी, मतलब समझ आ रहा है। जैसे पहले के राजा महाराजा कह रहा हूँ, पहले के जो जमींदार होते थे कहते थे तुम्हारी लाखों पुश्तें हमारे यहाँ काम करेंगी, तुम मर भी जाओगे फिर भी। सो ये जो पनिशमेंट था हकीकत में, क्रेडिटर क्या करता था, क्रेडिटर डेटर को सफरिंग प्रोवाइड करता था, सफरिंग देता था, जिसकी वजह से क्रेडिटर को फीलिंग आती थी कि वो एक मास्टर है, मतलब समझ आ रहा है। जो क्रेडिटर है अपना विल डेटर के ऊपर लगा रहा था, अब जो क्रेडिटर है वो डोमिनेट कर रहा था डेटर को, ठीक है, इट इज़ अ गुड वे टू पुट इट, कि जो क्रेडिटर है वो डेटर को क्या कर रहा था डोमिनेट, उसे जो अपनी विल टू डोमिनेट है विल टू पावर उसे एक्ट करने का मौका मिल रहा था किसके ऊपर डेटर के ऊपर, और उसकी वजह से क्रेडिटर को क्या आता था प्लेजर, ठीक है। और एक और बात जो इस किताब में कही गई कि भाई डेटर जितना सोशल हायरार्की में नीचे होगा, सॉरी जो क्रेडिटर है वो जितना सोशल हायरार्की में नीचे होगा और डेटर जितना ऊपर होगा उतना ही क्रेडिटर को क्या होगा मजा आएगा सफरिंग प्रोवाइड करने में डेटर को, ठीक है। कि समझ लो एक स्लेव है, स्लेव को राजा को सफरिंग पहुंचाने में बड़ा मजा आएगा, या फिर एक स्लेव को जमींदार को सफरिंग पहुंचाने में मजा आएगा। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया नहीं है बुक के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो इस समय फ्रेडरिक नीचे जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे जो है फिलोसफी में एक सर्टेन टर्म दिया गया है, इसे कहते हैं सैडिज्म, कि भाई किसी को सफरिंग देते हुए प्लेजर की अनुभूति होना, उसे हम क्या कहते हैं सैडिज्म। सो हम सबको लग सकता है कि भाई हम तो सैडिज्म से बहुत आगे हो चुके हैं, भाई गुलशन भाई सुन, हम तो भाई बहुत दूर आ चुके हैं, ये सब तो पास्ट की बातें हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसी भी कोई बात है। सो तुम्हें याद है एक शायद से हैदराबाद का केस था, रेप केस बेसिकली, उसके चार जो थे कल्प्रेट पकड़े गए थे, उन्हें जो गोलियों से भून दिया गया था ना जंगलों में ले जाके। सो पीपल वर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग भाई मार दिया गया, एंड आई गेस व्हेन यू किल अ मॉन्स्टर यू मस्ट सेलिब्रेट इट। पर उसके बाद पता है मतलब कई सारे लोग जो आके कह रहे थे कि यार गोली लग गई मर गए बेचारे कह रहे हो मतलब गोली लग गई यार तुरंत ही मर गए, उन्हें तो कुछ सजा भी नहीं मिली, वो तो तुरंत मर गए, उन्हें तड़पा के मारना चाहिए था, मतलब समझ आ रहा है। मतलब कि यार कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट सुनता हूँ, दे भी लाइक कि मतलब उन्हें तड़पाओ भाई, उनका काट दो, उनका मतलब जो मेल पार्ट हो उन्हें काट दो, जो रेपिस्ट होते हैं उनका मेल पार्ट काट दो, उन्हें मतलब पत्थरों से मारो, उन्हें मतलब छोड़ दो भीड़ के हवाले, मतलब समझ आया। तुम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देख पा रहे हो, है ना, कि हम
सफरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जस्टिस के लिए नहीं, प्लेजर के लिए. एंड दैट इज दैट्स व्हाट सैडिज्म लुक्स लाइक. दैट्स व्हाट आई थिंक यार, कि भाई तुम किसी और को सफरिंग प्रोवाइड कर रहे हो केवल के लिए, वो केवल अपने प्लेजर के लिए, है ना, कि भाई सेटिस्फैक्शन के लिए. बेसिकली सेटिस्फैक्शन इज द राइट टर्म, ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, कभी भी भाई हमें अपना ह्यूमन टच नहीं खोना चाहिए, ठीक है. इवन वी आर पनिशिंग क्रिमिनल्स ब्रो, इवन वी आर पनिशिंग मॉन्स्टर्स, वी शुड नॉट बिकम मॉन्स्टर्स आर सेल्फ. वी हैव टू कीप दैट ह्यूमन टच, ठीक है. फेडरिक नीचे की काफ़ी फेमस लाइन है, व्हेन यू लुक एट द अबिस लुक्स बैक एट यू. आई डोंट नो कि भाई ये किस किताब में कहा है, बट कि जब तुम मॉन्स्टर्स को भाई, जब तुम मॉन्स्टर्स को मारने जाते हो ना ब्रो, तो तुम्हारा खुद मॉन्स्टर बन जाने का डर रहता है. एंड दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है. ये जब जब भाई मैं ये सब देखता हूँ कि फालतूगिरी की जो बातें कर रहे हैं, जब जब लोगों ने जस्टिस सिस्टम से ब्रो अलग हटके कुछ करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम अपनी तरीके से पनिश करेंगे, तुम भी भाई फिर एक मॉन्स्टर ही बन रहे हो उसी की तरह, उसी क्रिमिनल, उसी रेपिस्ट और उसी मर्डरर की तरह तुम एक मॉन्स्टर बन रहे हो, ठीक है. और यहाँ पे हमारा जो था ओरिजिन खत्म हो गया. ओरिजिन हमने देखा डेटर क्रेडिटर के बारे में, वही था ओरिजिन. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज द पर्पज ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू फेडरिक नीचे. थोड़ा सा डार्क हो गया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलता है इतना डार्क ब्रो. फिलोसफी ब्रो, अगर तुम रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाओ तो फायदा क्या फिलोसफी पढ़ने का, एग्जाम जाके लिख के आ जाओगे ब्रो, फायदा नहीं है उससे. फिलोसफी होनी चाहिए लाइफ ओरिएंटेड, इवन फुल एजुकेशन होनी चाहिए हमारी लाइफ ओरिएंटेड, ना कि एग्जाम ओरिएंटेड, कि भाई सब एग्जाम. स्पेशली इन इंडिया यार, मतलब बहुत भयानक लेवल पर सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है. सो चलो यार छोड़ो, अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू फेडरिक नीचे. सो तो भाई पर्पस क्या है पनिशमेंट का अकॉर्डिंग टू फेडरिक नीचे. सो एक स्टेटमेंट के साथ शुरू करना चाहूंगा मैं इसे. स्टेटमेंट क्या है? इफ समथिंग इज टू स्टे इन द मेमोरी, इट मस्ट बी बर्न इन. ओनली दैट विच नेवर सीजेस टू हर्ट स्टेन्स इन द मेमोरी. सो पक्का एक फेडरिक नीचे के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये जो ह्यूमन एनिमल है इसके ऊपर हम बेसिकली विश्वास कैसे कर पाए. ये जो ह्यूमन एनिमल है, ये प्रोमिसेस करने की कैपेसिटी अपने अंदर कैसे ला पाया, ठीक है. सो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जो बारबेरियंस थे बेसिकली, अगर तुमने अगर वाइकिंग्स देखी होगी तो तुम्हें पता होगा बारबेरियंस क्या होता है. सो वाइकिंग सीरीज, यस. सो जो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जो मास्टर क्लास थी, वॉरियर क्लास थी, इनके अंदर एक एबिलिटी थी बेसिकली, एबिलिटी टू फॉरगेट, फॉरगेटफुलनेस जैसे कहते हैं, कि मैंने तुम्हें चाटा मारा, तुमने मुझे चाटा मारा, हिसाब बराबर. पर जिन लोगों के अंदर ये जो वॉरियर क्लास थी या फिर बारबेरियंस जैसे तुम कह सकते हो, बारबेरियंस यार देखो राइट टर्म तो नहीं होगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ हम ये टर्म्स यूज कर रहे हैं बारबेरियंस, ठीक है. कि ब्रो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कौन है कौन नहीं है, जिन्हें मारा मार दिया, जिन जो खाना था खा लिया. दे हैव दिस हैबिट ऑफ फॉरगेटफुलनेस. कुछ टाइम तक के लिए तो ठीक है ब्रो, बट जब तुम एक सिविलाइज ह्यूमन सोसाइटी में आने की कोशिश करते हो थोड़ी सी भी, तब याद ठीक नहीं है. कि डेफिनेटली ब्रो तुम्हें खुश रहने के लिए कुछ चीज़ें भुला देनी चाहिए, बट जब तुम सारी चीज़ें भुलाने लग जाते हो तुम एक सोसाइटी के लिए केवल डेंजर बन जाते हो, ठीक है. समझ लो तुम्हें पता ही नहीं कि भाई तुम्हारा घर कौन सा है, बगल का घर कौन सा है, तुम्हें किसे पैसे देने, तुम्हें किसे लेने हैं भाई पैसे, ठीक है. इफ़ यू फॉरगेट दिस टू देन यू वॉन्ट बी एबल टू लिव इन अ सिविलाइज सोसाइटी, ठीक है. सो फेडरिक नीचे इस किताब में कहते हैं, टू सिविलाइज द बीस्ट ऑफ प्रे, टू टेम ह्यूमन विच कैन बी रिलाइड अपॉन, दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज.
ठीक है, कि भाई हमें जो था वो जो ह्यूमन एनिमल था भाई, उसे हमें सिविलाइज करना था, ठीक है, कि जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके, उसी वजह से हाँ उसका जो पनिशमेंट का पर्पज यही था, ठीक है। पर इसकी वजह से हुआ क्या, हर चीज़ की जैसे दो साइड्स होती हैं, इसकी भी दो साइड निकली। एक तो चलो ठीक है, एक साइड भाई बहुत पॉजिटिव हुई कि ह्यूमंस जो थे उनके ऊपर मतलब विश्वास करने लायक बन गए, पर उसी की वजह से क्या हुआ, इंसानों के अंदर एक डेप्थ डेवलप हो गई, डेप्थ यानी गहराई, ठीक है, जिसे नाम दिया फेडरिक नीचे ने बैड कॉन्शियंस, ठीक है, कि ये नेगेटिव साइड ऑफ पनिशमेंट हुआ, कि एक बैड कॉन्शियंस डेवलप हो गई, ठीक है, और बैड कॉन्शियंस का ही नतीजा हुआ रिएक्टिव फोर्सेस, है ना, जो रिएक्टिव मॉरलिटी की जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, ये बैड कॉन्शियंस की ही वजह से हुआ, बिकॉज जब वो डेप्थ डेवलप हो गई तो उस डेप्थ के अंदर तुम कुछ भी भर दो, ठीक है, और उसी की वजह से जब किसी और ने हमें चाटा मारा तो हमने कहा कि रुक बेटा, तो ये तो भविष्य में देखते हैं, जो नफरत, ये जो गुस्सा, ये जो हेटरी जो हम अंदर कैरी करने की जो हमारे अंदर एबिलिटी आ गई, उसे ही हम बैड कॉन्शियंस बोलते हैं, ठीक है। सो दैट वॉज द पर्पज ऑफ पनिशमेंट, सो अकॉर्डिंग टू फेडरिक नीचे। इसके ऊपर क्या मेरे थॉट्स हैं, नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं कि भाई प्रॉमिस का क्या मतलब है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। द कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट और फोर्स योर सेल्फ टू कंट्रोल योर सेल्फ। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ कि सोसाइटी ने हमारे ऊपर पनिशमेंट इन्फोर्स करके, ध्यान देना, सोसाइटी ने पहले हमारे ऊपर पनिशमेंट इन्फोर्स करके हमें प्रॉमिस जो हमने अपनी बात कही है उसे फुलफिल करने के लिए हमें रेडी किया, मतलब समझ आया कि सबसे पहले जो था इन्फोर्स किया प्रॉमिसेस को किसने, सोसाइटी ने, उसके बाद हमने खुद करना उसे शुरू कर दिया, जस्ट लाइक एनी ट्रेन्ड एनिमल, मतलब समझ आ रहा है, जब तुम कुत्ता जब तुम लाते हो ना ब्रो, मतलब हमारे जो पड़ोस में किसी के पास कुत्ता है, सो जब वो शुरुआत में आता कहीं पे भी टट्टी कर देता था, ठीक है, पर धीरे धीरे करके ना, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उसके मालिक ने आदत डाली, जब वो घर में टट्टी करता था तो बैट एक पिछवाड़ा पर डंडा लगता था, ठीक है, फिर उसके बाद मतलब मालिक उसे जगह बता के आया कि भाई इस जगह पर जाकर तुम्हें टट्टी करनी है, और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो खुद ही खुद सीख गया और वो जाके वहीं पे जाकर टट्टी करने लगा। वही कुछ ह्यूमंस के साथ भी हुआ, सबसे पहले सोसाइटी ने हमारे ऊपर चीज़ें इन्फोर्स करी, उसके बाद हमने खुद करना शुरू कर दी, ठीक है, और इसी इन्फोर्समेंट की वजह से सबसे पहले सोसाइटी ने प्लेजर उठाया और हमने फिर जो हम अपने आप को जो कंट्रोल कर पाए बेसिकली, उसकी वजह से हमें भी प्लेजर आ रहा है, जो हम इसके थर्ड एसे में इसके बारे में गहराई से बात करेंगे। सो इतना हो गया ख़त्म, ये हो गया हमारा भैया प्रोमिसेज, ये हो गया हमारा पर्पज़, यहाँ पे फिनिश होता है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक जिस पर हम मूव ऑन करने जा रहे हैं अब, गिल्ट का टॉपिक। सो भाई हुआ क्या, बेसिकली कहानी समझते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई जिस पोजीशन पे आज हमारी जनरेशन है उसका रीज़न क्या है, पुरानी जनरेशन और उनसे पहले जो जनरेशन थी वो उनकी कंडीशन के लिए जिम्मेदार थे, आर यू गोइंग टू एग्री विद मी और नॉट, ठीक है, और ये साइकिल जो था मतलब पीछे 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 चलता जा रहा है, जो नई जनरेशन है केवल वही अपनी कंडीशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो पुरानी जनरेशन के सेक्रीफाइजेज हैं बेसिकली वो भी क्या है, जिम्मेदार हैं, जिस कंडीशन पे हम पहुँचे हैं इस समय, जिस सिचुएशन में हम पहुँचे हैं उसका जिम्मेदार जो है वो पुराने एंसेस्टर्स भी हैं, एंड इसके अंदर जो है फेडरिक नीचे यही बात कर रहे हैं कि बात ऐसी है ना भाई कि हमेशा हम एक डेप्थ में पड़े रहे, किसके, एंसेस्टर्स के, एंसेस्टर यानी पूर्वजों के, पूर्वजों से एक हम कर्ज में हमेशा रहे, कर्ज में डूबे रहे पूर्वजों के, क्योंकि भाई पूर्वजों के सेक्रीफाइसेस की वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यू मस्ट रिस्पेक्ट दोस्त जो पूर्वज हैं, कि हमें पूर्वजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सो जैसे जैसे हम एक अच्छी कंडीशंस में पहुँचते जाते हैं
वैसे वैसे वो डेप्थ भी क्या होता है, वो जो कर्ज हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और उसी के अंदर क्या आ जाता है, एक फियर का एलिमेंट हम जोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम एग्जैक्टली ब्रो मतलब समझ आ रहे हैं, कह सकते हो मैं गॉड का भी ऑरिजिन है, ठीक है, कि एक फियर एलिमेंट प्लस एक डेथ का एलिमेंट, मतलब समझ आया, एक कर्ज का एलिमेंट और एक एक फियर का एलिमेंट, ठीक है। और वो कर्ज इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि फेडरिक नीचे कहते हैं बाद में कि इतना ज़्यादा वो कर्ज था कि हम तो उसे कभी चुका ही नहीं पाए। उसे किसने चुकाया? जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पे चढ़ गए, ठीक है। जिन लोगों को भाई क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम नहीं, हल्का फुल्का पढ़ लेना, मुझे भी नहीं मालूम ज़्यादा, बट दैट्स वॉट ही सेज, ठीक है। सो ये जो लोग अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, ये भी जो है इस कर्ज से अभी तक फ्री नहीं हुए, ठीक है। कहने का तो कह देते हैं अला गॉड नहीं है, नहीं है, नहीं है, जो भी है, बट अभी भी ये भी कर्ज से फ्री नहीं हुए, कोई भी इस कर्ज से अभी तक फ्री नहीं हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज द ओरिजिन ऑफ द गिल्ट, ठीक है, कि जो हम हमेशा कर्ज में फंसे रहेंगे, हम कभी भी इस कर्ज से निकल नहीं पाएंगे, यही जो था ये ओरिजिन था तुम्हारा गिल्ट का। सो आई डोंट नो कि भाई मैंने कितने टॉपिक मिस करे, कितने नहीं करे, बट यही तुम्हारा सेकंड ऐसे था बेसिकली, मोटा मोटा। इन डेट इन डिटेल पढ़ना भाई, किताब उठाओ जिनोलॉजी और मोरल्स और पढ़ना शुरू करो। इट्स अ रियली गुड बुक, इस समय मैं थर्ड ऐसे पढ़ रहा हूँ यार, और पता नहीं है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं थर्ड ऐसे की वीडियो कब आएगी। थोड़ी सी लेट हो सकती है थर्ड ऐसे, बिकॉज बहुत बड़ा ऐसे लिटरली ब्रो, मतलब 100 पेजेस से ऊपर का है, थोड़ा सा लेट हो सकता है मतलब थर्ड ऐसे आने में। बाय द वे ये सेकंड ऐसे यहाँ पे एंड हो जाता है। और तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और खुश रहो भाई ज़िंदगी में। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।